हरे कृष्णा चैतन्य चरण प्रभु जी, बहुत खुशी, बहुत हरे आनंद फिर से कृष्णा। आपको देखकर। कैसे हैं प्रभु जी? थैंक डिलाइटेड। हाँ बहुत अच्छा, डिलाइटेड टू बी विथ यू अगेन। यू सो मच यस, प्रभु। तो आपने अपने व्हाट डू यू कीमती प्लान? समय, आपने इतना, आपका बिजी शेड्यूल, आपने इतने कीमती समय में से समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, मैंने आपको वीडियो भेजी थी विशाल चौरसिया प्रभु जी की, जो हाइपर क्वेस्ट चैनल से हैं। तो उन्होंने 18.66 वर्स, अगर आपने वीडियो सुनी होगी, तो उसमें उन्होंने जो उसका एक्सप्लेन किया है उसको, तो उन्होंने निर्गुण निराकार के भाव से किया है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो वर्स जो है, जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है एक्सक्लूसिव जो सरेंडर है उसकी बात कर रहे हैं, माम एकम शरणम व्रज। और वो उसमें वो बोल रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि देवताओं की पूजा करने से कृष्ण ने मना किया। तो इसी वर्स के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमारी सही अंडरस्टैंडिंग इस बारे में क्या है और ऐसी क्यों है। यस, तो थैंक यू। यस, एक्चुअली जो वीडियो था, आई वॉच्ड इट केयरफुली एंड ओवरऑल देयर इज अ सिंसियर अटेम्प्ट टू, प्रयास है कि समझे और समझाए वो गीता को, पर हम जो समझने का प्रयास करेंगे, अगर हम देखेंगे हाउ डू यू डिसाइड मीनिंग, किसी भी चीज का अर्थ है, उसका अर्थ हम फैसला कैसे करते हैं, देयर आर मेनली टू थिंग्स दैट वी लुक एट, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट। किसी वाक्य का अर्थ क्या है, क्या बताया गया है और कहाँ बताया गया है। अगर कोई कहता है गो टू हेल, तो अगर वो क्या लिटरली बोल रहा है, मैं तुमको नरक में फेंक दूंगा या तुम नरक में चले जाओ, या जस्ट गेट अवे फ्रॉम मी, चले जाओ यहीं से, करेक्ट तो किस भाव से बताया, कॉन्टेक्स्ट से कभी कभी कंटेंट में काफी फर्क पड़ सकता है। करेक्ट तो अभी हम यहाँ पे इस तरह से देखेंगे कि भगवद गीता के अनेक आचार्यों ने कमेंट्रीज लिखे हुए हैं और अलग अलग संप्रदाय है, तो हर एक संप्रदाय का आचार्य, कोई संप्रदाय एक संप्रदाय से है, तो वो केवल उनके जो आचार्य हैं उनके अथॉरिटी को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर हम केवल किसी आचार्य के कमेंट्री के आधार पर हम अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो जो अद्वैतवादी है वो कहेगा हम शंकराचार्य की कॉमेंट्री मानेंगे, और जो वैष्णव है वो कहेगा कि हम रामानुजाचार्य या माधवाचार्य या श्री प्रभुपाद इनकी कॉमेंट, इनका भाष्य मानेंगे। तो अभी जब व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट ओवर अथॉरिटी, कि कौन से अथॉरिटी को हम स्वीकार कर रहे हैं शास्त्र को समझने के लिए, तो फिर तभी हम कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट को एक लॉजिक की दृष्टि से देख सकते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो अभी 1866 जो शब्द वर्स है उसको मैं आखिर दो विभागों में करूंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये पहले बताया गया है। सो अभी गीता जो है एक तरह से उसमें जो चल रहा है डिस्कशन वो दो स्तर पे, एक है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक आसिक और दूसरा है फिलोसॉफिकल यूनिवर्सल तत्व ज्ञान के स्तर पे। मतलब क्या कि जब कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं तो एक तरह से कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उस समय उन्हें क्या करना चाहिए, व्हाट एक्शन एट दैट टाइम, उस समय अर्जुन को क्या करना चाहिए, क्योंकि एक समय अर्जुन जब है उनको पता नहीं मुझे क्या करना है। तो दिस इज मोर एप्लीकेबल फॉर अर्जुना, ये अर्जुन के लिए है। और जो फिलोसॉफिकल, वॉट पाथ फॉर ऑल टाइम, कि कौन सा मार्ग चुनना है, और यह जो है ये एक तरह से एवरीवन, यह सबके लिए है। अभी जो अर्जुन के लिए है वो भी सबके लिए है एक तरह से, पर उसमें भेद है। तो अभी अगर ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखते हैं तो सर्वधर्मान परित्यज्य, कभी कभी इसका अर्थ बोलते हैं सब धर्मों को छोड़ दो, मतलब सब रिलीजियंस को छोड़ दो, वैसा अर्थ भी निकाला जा सकता है। पर अभी भगवदगीता के संदर्भ में हम देखते हैं कि भगवदगीता 18 अध्याय है, उसमें दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है, और यह जो प्रश्न है यही गीता की शुरुआत करता है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ समुच्चयतः। चेतः, तो उनका प्रश्न क्या है धर्म के बारे में, पृच्छामि त्वाम, मैं जानना चाहता हूं मेरा धर्म क्या है। और यहां पे धर्म का अर्थ है द राइट थिंग टू डू,
मेरे लिए उचित कार्य क्या है। और क्योंकि अर्जुन को क्या था, उनकी परिस्थिति क्या थी कि दो धर्म थे उनके लिए, कि वो तो आए थे वहां पे युद्ध करने के लिए, फाइट, क्यों? क्योंकि वो उनका क्षत्रिय धर्म था, क्षत्रिय वो धर्म। क्षत्रिय है, तो जो उनके जो आक्रामक है, जो आतताई है, जो जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने उनका जिनके जिन्हें अन्याय किया है, अत्याचार किया है, उनके विरुद्ध युद्ध करना चाहिए। पर उसके बाद में जब अर्जुन पहले अध्याय में जो सेना का निरीक्षण करते हैं, उसको सैन्य निरीक्षक को बताया गया है, तभी अर्जुन को ये बहुत ध्यान में होता है कि सब मेरे ही कुल के वंश है, तो इसीलिए उनको कुल धर्म लगता है कि मेरे ही वंश के लोग हैं, मेरे ही कुल के लोग हैं, तो शायद इनके साथ मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुना जो है शुरुआत में इन दोनों में से क्या करना है, इस द्वंद में फंसे हुए हैं, मुझे यह धर्म करना है या वो धर्म करना है। यहाँ पे धर्म मतलब एक कर्तव्य, या कर्तव्य सही कार्य क्या है, तो मैं क्षत्रिय हूं तो सही कार्य क्या है, मैं कुरुनंदन हूं तो सही कार्य क्या है, तो इसमें फंस गए हैं। तो भगवान अर्जुन के लिए बता रहे हैं कि धर्म के अनेक संकल्पनाएं हो सकती हैं, पर आप सर्वधर्मान परित्यज, मतलब क्या करो, आप अलग अलग धर्म की जो संकल्पनाएं हैं, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सब एक कुल धर्म सही है, क्षत्रिय धर्म सही है, ये सब इसकी आप चिंता मत करो, क्या माम एकम शरणम, जो मैं बताता हूँ वो आप कर। और मैं बताता हूं मतलब क्या है, वहां पे भगवान बताते हैं अर्जुन को कि इसके बाद में हम देखते हैं अर्जुन ने क्या किया, युद्ध किया है, तो युद्ध करने को बताया उन्होंने। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि भगवान यहाँ पे जो बता रहे हैं कि आपका क्षत्रिय धर्म हो सकता है, आपका कुल धर्म हो सकता है, पर उसके नीचे क्या है कि अर्जुन, हमारा जो पहचान होती है, हमारी जो आइडेंटिटी होती है, वो अलग अलग स्तर होते हैं। अर्जुन एक कुल के मेंबर है, अर्जुन एक क्षत्रिय है, ये सब उनकी पहचान है, पर उसके नीचे उनकी मूलभूत पहचान है कि वे एक आत्मा है, और जो आत्मा है ये भगवान के अंश है। यह भगवद्गीता में बताया है, दोनों आत्मा है तो 2:13 में बताया है, हम भगवान के अंश 15:7 में बताया, कई जगह पे बताया है। तो अभी क्या है, अगर आप मेरे अंश हो तो आपको मेरी सेवा करनी चाहिए, और वहां पे जो सेवा है वो भगवान की इच्छा है कि आप युद्ध करो, तो आप युद्ध करो। इसलिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है, धर्म का अर्थ सबसे पहले ये है कि आप क्या धर्म करो, आप युद्ध करो। पर जब अर्जुन इसका इसके रिस्पॉन्स में, इसके साथ में बोलते हैं 1873, वो ये नहीं बोलते मैं युद्ध करूंगा, अहम युद्ध करिष्यामि, ही से करिष्ये वचनम वचनम तुवा। तव, मतलब यहाँ पे भगवान भगवान की शरणागत हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये श्लोक का अर्थ अर्जुन के लिए युद्ध करने के लिए है, पर बियॉन्ड दैट क्या है, वो कह रहे हैं कि वे भगवान के शरण में जा रहे हैं, आपकी जो इच्छा है वह मैं पूरी करने वाला, आई विल डू योर विल। तो यह अर्थ है इसका। तो ये पहले विभाग का सर्वधर्मान परित्यज, उसके बाद में मैं माम एकम शरणम व्रज पे जाऊंगा, पर यहाँ पे आपको कुछ अभी तक कुछ कमेंट या स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन? नहीं प्रभु, ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि जैसे उन्होंने विशाल प्रभु ने बोला, कई बार लोग बोलते हैं सर्वधर्म परित्यज्य का मतलब वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ले लेते हैं, लेकिन वो कोई सेंस ही नहीं बन रहा उस बात का, क्योंकि उस वक्त ये सारे धर्म थे ही नहीं। तो यहाँ पे जो है धर्म का यस मतलब, राइट, जैसे आपने बताया कि कुल धर्म और क्षत्रिय धर्म, अर्जुन उनके बीच में कन्फ्यूज थे, और कृष्ण वहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य, इन धर्मों को छोड़ो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। और आपने बिल्कुल सही बोला, 73 में उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला कि जैसा आपकी इच्छा होगी मैं वैसा करूँगा। देखो जो ऐसे धर्म है, जो शास्त्रों का अर्थ होता है ना, मीनिंग ऑफ स्क्रिप्चर, उसको अलग अलग स्तर पे देखा सकता है, इन कॉन्टेक्स्ट, बियॉन्ड कॉन्टेक्स्ट एंड अगेंस्ट कॉन्टेक्स्ट, मतलब संदर्भ में क्या है उसका मीनिंग अर्थ, पर शास्त्रों के जो श्लोक होते हैं तो केवल उनका अर्थ उस संदर्भ के लिए सीमित नहीं है, तो उसके बियॉन्ड कॉन्टेक्स्ट जो है, उस परिस्थिति के परे भी हम उसको समझ सकते हैं, पर ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी ओके है, पर अगेंस्ट कॉन्टेक्स्ट मतलब मैं एक ऐसे वाक्य का ऐसा अर्थ निकालता हूं
जो पूरे संदर्भ के खिलाफ होता है वह उचित नहीं है। तो जो ऐसे कोई कहता है अलग अलग धर्मों का त्याग कर दो और आप मेरी शरण में आ जाओ, वो भी मतलब अगर रिलीजियंस लेता है, हम क्रिश्चियन है, जुडाइज्म, इस्लाम या हिंदुइज्म भी कह सकते हैं, तो वो अर्थ ले सकते हैं। पर क्या उसका अर्थ होगा फिर, क्या है इन सब में जो रीति रिवाज है, रिचुअल्स, ये रिलीजियन के रिचुअल्स पे आप जोर मत दो, उसके परे क्या है जो भगवत प्रेम है उस पे आप जोर दो, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। जो जो ऐसे गिव अप ऑल रिलीजन जो कोई ऐसे बोल रहा है तो वो गलत नहीं है, ऐसे नहीं कि जरूरी गलत ही है वो, पर ये खास करके जो जो नाम ले रहे हैं हम, या जैसे जैसे धर्म क्रिश्चियनिटी इस्लाम, ये उस समय नहीं थे, पर कुछ ना कुछ तो रीति रिवाज थे। और ये धर्म होते हैं, धर्मों के भी रीति रिवाज होते हैं, तो आप ये बाह्य रीति रिवाज में मत फंसे रहो, पर उनका जो उद्देश्य है कि माम एकम शरणम व्रज, कि आप मुझे प्रेम करो, जैसे शास्त्र हमारे शास्त्र में सर्व सर्व विधि निषेधा सुरे तयोरे व किं कर्म, कि सर्व विधि निषेध का एक ही उद्देश्य है कि हमें भगवान का स्मरण करना है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, तो वैसा अर्थ निकाला जा सकता है। तो बट विल मूव अहेड कि अभी हम मैंने इन कॉन्टेक्स्ट में मैं देखा अभी तक क्या है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट तत्वज्ञान के स्तर पे क्या अर्थ हो रहा है इसका। तो अभी हम तीन शब्द देखते हैं, माम एकम और शरणम। तो अगर हम माम देखते हैं ये बड़ा स्पष्ट है मुझे, तो अभी कभी कभी क्या होता है कुछ लोग कहते हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण खुद नहीं बोल रहे, कृष्ण के माध्यम से जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो कृष्ण के माध्यम से बोल रहा है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं जो निर्गुण ब्रह्म है। अगर वो ऐसी ऐसी बात होती तो फिर कृष्ण माम पे इतना जोर क्यों देते। अभी इसके पहले ही जो 66वां श्लोक है, इसके पहले 65वां श्लोक आता है और उसमें हम देखते हैं मन मना भाव मद भक्तो तो मदयाजी जी माम माम नमस्कुरु नमस्कार माम एवैष्यसि कौन्तेया सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी प्रियोसि मे। में तो अभी देखो इसमें क्या है, कितने बार माम आ रहा है, मन मना भव, तो आप मुझ में मन लगाओ। तो पहला मन मना भव में आ गया, भव मद मना भव मद भक्तो मद भक्तो, दूसरा मद आ गया मन मना भव मद भक्तो मद याजी मुझ सर मेरी पूजा करो माम नमस्कुरु, तो आप मुझे नमन करो, माम एवैष्यसि आप मेरे पास आओगे, सत्यम ते प्रियोसी प्रतिजानी प्रियोसि मे, में आप मुझे बहुत प्रिय हो। तो छह सिक्स टाइम्स 6 बार ये शब्द का इस्तेमाल किया है। तो अगर किसी का कहना है कि एक्चुअली मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे परे कोई परम सत्य है और वो परम सत्य मुझसे कह रहा है, तो अगर ऐसा है तो क्या भगवान ने ऐसे कहीं कहा है कि मेरे पीछे परम सत्य है, और वैसे होता तो उसके पिछले श्लोक में इतने बार वो माम क्यों इस्तेमाल करते, उसके अगले श्लोकों में भी भगवान कहते हैं आगे कि जो मेरी ईर्ष्या करते हैं, मेरी ईर्ष्या ब्रह्म की ईर्ष्या नहीं बोल रहे, उनको ज्ञान यह मत दो आप। फिर वापस 68वें 59वें श्लोक में कई बार भगवान माम माम इस्तेमाल कर रहे हो, कहते हैं कि जो ये जो ज्ञान है बताएगा वो मुझे बहुत प्रिय हो जाएगा, मेरी भक्ति, मेरी शुद्ध भक्ति उनको मिलेगी। तो ओके, ये क्लियरली जो पर्सनल है वर्सेस, पीछे पीछे का वर्स पर्सनल है, इसके आगे के वर्सेस भी पर्सनल ही है, तो इसीलिए इस वर्स में अचानक इम्पर्सनल निर्विशेष निराकार ब्रह्मा का भगवान क्यों उल्लेख करने वाले हैं। तो इसलिए माम ये काफी स्पष्ट है। अभी कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो यू वांट टू क्लैरिफाई एनीथिंग ऑन दिस एट दिस स्टेज। नहीं प्रभु, जैसे इस यहाँ पे तो मैं समझ रहा हूँ प्रभु, आपने बिल्कुल सही बोला कि पहले और बाद में कंटिन्यूस जो भगवान श्री कृष्ण वो पर्सनल सेंस में बात कर रहे हैं, पर क्या भगवद गीता में जनरली ऐसे कहीं पे भी कोई वर्स है जहाँ पे भगवान इस तरह की कोई बात बोलते हैं कि जो पर ब्रह्म है वो मेरे जरिए ये ज्ञान दे रहा है, इस तरह का जहाँ पे कंटेक्स्ट निकल सकता है? ऐसे तो भगवान नहीं कहीं कह रहे, पर कुछ श्लोक है जिनके अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे एक श्लोक आता है 724, तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया,
हाँ ये श्लोक अव्यक्तम या व्यक्तिम आपन्नम, तो मन्यन्ते माम अबुद्धया। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे दूसरे शब्द का दूसरे जो पंक्ति उसका अर्थ काफी अच्छा स्पष्ट है, मन्यन्ते माम अबुद्धया, कि ऐसा जो समझते हैं मेरे बारे में वो अबुद्धया है, उनकी बुद्धि कम है, उनको बुद्धि है नहीं। तो अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, कि अभी इसका एक अर्थ हो सकता है कि मैं अव्यक्त था, अव्यक्त हो गया, ऐसा जो समझते हैं वो अबुद्धया है। और यह अर्थ जो है मतलब आई वॉज मैं पहले अव्यक्त था, अभी अव्यक्त बन गया, अभिव्यक्त बन गया हूं, फिर से व्यक्त हो जाऊंगा। मतलब मेरा क्या है, सनातन समय, ऐसा जो समझते हैं वो अबुद्धया है। और यह जो रीडिंग है यह ऐसा समझ वैष्णवाचार्य देते हैं। अभी दूसरा अर्थ हो सकता है कि अगर अभी संस्कृत में पंक्चुएशंस नहीं होते, पर अगर यहाँ पे कॉमा डाल दिया हमने एक, कि यद्यपि मैं अव्यक्त हूं पर मुझे व्यक्त जो मानते हैं, अव्यक्तम होने के बावजूद, मैं अव्यक्त होने के बावजूद बावजूद जो मुझे अव्यक्त मानते हैं, ऐसे लोग अबुद्ध हैं। पर अभी क्या है, ऐसे इसमें यद्यपि जैसे कोई कोई शब्द नहीं है संस्कृत में, तो कैसे कि इसमें दोनों रीडिंग्स किए गए हैं अलग अलग आचार्य, उसको सबके टेक्निकलिटीज में जा सकते हैं। पर ये जो है कि इट इज डेफिनेटली जो रीडिंग है कि पहले मैं अव्यक्त था, मैं साधारणतः अव्यक्त रहता हूँ पर अभी के लिए अव्यक्त व्यक्त बना हूं, ऐसा जो समझते हैं, मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भाव मजानन्तो अभूत महेश्वरम। तो मेरा जो परम भाव है वो जानते नहीं है लोग, तो अभी मेरा परम भाव क्या है इसके बारे में उस श्लोक में नहीं स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो जो अद्वैतवादी कह सकते हैं कि परम भाव ब्रह्मन है, और जो वैष्णव है वो कह सकते हैं परम भाव जो है भगवान है। पर अभी तो इस श्लोक के आधार पर कह सकते हैं कि द वर्डिक्ट इज अनक्लियर, दोनों तरह से इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो हम बाकी श्लोक देख सकते हैं, अभी कई जगह पे बड़े स्पष्ट रूप से मैं तीन चार श्लोक देता हूँ। यहाँ पे 7.7 जो आता है, मत्तः परतरम न ना अन्यत। अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे परे कदापि मात्र में कोई सत्य नहीं है। यह बहुत स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे, मेरे परे कोई कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते चतुर्थ श्लोक की भगवदगीता के पहले श्लोक में, 10वें 8वें श्लोक में क्या है, अहम सर्वस्य प्रभवो, मुझसे सब कुछ आया है। भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं ब्रह्म से आया हूं, वो कह रहे मुझसे सब कुछ आया है। सब कुछ आया है मतलब क्या, हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म भी मुझसे ही आया है। अभी उसका इसका पुष्टिकरण ब्रह्मणो इसका पुष्टिकरण आगे होता है, ब्रह्मणो ही आपका प्रतिष्ठा। आपका शेयर स्क्रीन हट गया प्रभु जी। अच्छा हाँ मैं कर कहता हूं, उसका आगे हो सकता है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि उससे उसका भी आता है 14:26 में आता है कि ब्रह्मण मुझ पे आधारित है। तो इसलिए इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह जो अर्थ है वही मोर लॉजिकल है। पर उसके अलावा अगर हम कह सकते हैं कि अभी हम सोच रहे हैं कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, मान ली दो लोगों में बातचीत हुई है, कोई एक टीचर है एक स्टूडेंट है, और वो हमारे पास टीचर ने उस लेक्चर में क्या बोला है वह हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि ठीक है, टीचर ने ये कहा था वो कहा था, पर हम पूछ सकते हैं कि अच्छा तुम विद्यार्थी वहां पे थे, तुमको क्या समझा? और अगर विद्यार्थी ने कहा है कि मैंने ऐसे ऐसे समझा था, और अगर उस टीचर ने वो खंडन नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं कि वो विद्यार्थी की समझ है वो सही है। तो अभी हम देखते हैं कि भगवान के सामने भगवान के सामने अर्जुन अपनी खुद की समझ बताते हैं। और ये जो चतुर्श्लोक की भगवदगीता खत्म होती है, तो 10-12 से लगभग 18 तक भगवान अर्जुन कुछ बोलते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। अभी 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं कि
आप परम ब्रह्म हो, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। तो अभी ये भगवान की ओर देख के कह रहे कि आप परम ब्रह्म हो। तो और ऐसे नहीं कहते कि भगवान ने कहा, उसके बाद में भगवान कहते नहीं अर्जुन तुम गलत समझे, एक्चुअली मेरे परे कुछ है। तो इसलिए ये इस जो माम जो है, अभी भगवद्गीता में क्या निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में बताया गया है? जरूर बताया है। क्या लोग निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। क्या उससे उनका उद्धार हो सकता है? जरूर होता है। पर भगवत गीता का कंक्लूजन क्या है, वो अगर भगवीता के आधार पर ही देखेंगे हम, तो कई जगह पे ऐसे भगवान ने बताया है कि जो माम है वह ऊंचा है अंडरस्टैंडिंग, दैट इस द अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग। तो तो यहाँ इसलिए पे ये फोर्टीन भगवान की चैप्टर भाषा। का या 14 चैप्टर का कौन सा वर्स मेंशन किया था प्रभु? कैन यू मेंशन हियर? 1426 ओके ओके यहाँ पे कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, मतलब दोनों को मैंने जुड़ा है कि भगवान ने कहा है कि मुझसे सब कुछ आया है 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में। तो क्या हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्राह्मण भी भगवान से आया है? निकाल सकते हैं, क्योंकि भगवान ने बाद में कहा है कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, कि ब्राह्मण मुझ पर आधारित है, तो ब्राह्मण की एकदम नींव, ब्राह्मण की जो मूलभूत है वो मैं हूं। एकदम क्लैरिफाई हो जाते हैं वहां से एकदम और करेक्ट. यस, तो अभी यह जो है, तो माम जो है ये स्पष्ट रूप से भगवान जो कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। और हम वापस भगवीता का इस कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, तो क्या भगवीता सुनने के बाद अर्जुन के निर्गुण निराकार ब्रह्म की पूजा करने लग गए? अर्जुन ने जो भगवान रूपी व्यक्ति है उनकी सेवा की है। तो यह माम है। माम का अर्थ मतलब माम रेफर्स क्लियरली टू द पर्सनल पर्सनल डिविनिटी, पर्सनल एब्सोल्यूट ट्रूथ। जो अभी इसका एनी क्लैरिफिकेशन ऑन दिस कमेंट? प्रभु जी, 12th चैप्टर में भी शुरू में वर्सेस हैं जिसमें जिसमें अर्जुन पूछते हैं कि साकार निराकार में से कौन सा बेहतर है. तो उसमें भी कृष्ण उस बारे में बोलते हैं कि निराकार करना मुश्किल है इसलिए साकार. तो वहां पे मतलब कौन सा मुश्किल है कौन सा हाँ आसान है उस कंटेक्स्ट में बोलते हैं कृष्ण, या कौन सा ऊंचा है वो भी उस बारे में भी. हाँ यस, वो वहाँ पे भी ऐसा है कि वो कहते हैं कि तुलना कर रहे हैं वहाँ पे 12.1 में सवाल आता है कि पर्सनल और इम्पर्सनल कौन सा बेहतर है। भगवान को देख, विच हु इज मोर इंटीमेटली यूनाइटेड विथ मी, इन दोनों में से कौन मुझसे और अच्छा मिला हो, ऐसे अर्जुन पूछ रहे हैं एक्चुअली वहां पे। तो भगवान एक तरह से स्पष्ट रूप से मई आवेश मनो ये माम, जो मई मई स्पष्ट रूप से बोल रहे, वो उनका जवाब आता है 12.2 में कि पर्सनल इज बेटर। पर उसके बाद में वो स्पष्ट करते हैं कि अगर हम तीसरे चौथे श्लोक में देखते हैं कि वो कहते हैं कि जो जो, जो निर्गुण निर्ब्रह्म की पूजा करते हैं वह भी ते प्राप्नुवन्ति माम, वो भी मेरे पास आएंगे। पर अगर निर्गुण भगवान के निर्गुण निराकार पहलू की ओर जाना चाहते हैं तो वहां पे उसकी प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद में 5वें श्लोक में बताते हैं कि ये मुश्किल है। और क्यों? क्योंकि जो है कहते हैं कि क्लेशो अधिकतर तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसाम। तो बड़े स्पष्ट रूप से जो अव्यक्त की ओर आसक्त हो जाते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और उसकी तुलना करते हैं 6वें और 7वें श्लोक में, कहते हैं कि भक्ति जो है जो मुझ पे मन लगाता है वो आसान है क्योंकि मैं उनको उठा लेता हूँ, तेषाम अहम समुद्धरता। और यहाँ पे भगवान संस्कृत शब्द लेते हैं क्लेश, और यहाँ पे शब्द लेते हैं न चिरात। न चिरात मतलब क्या? ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी ही हो जाएगा वो। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम। गति मतलब हम प्रगति कह सकते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं। तो गतिर दुखम, काफी परेशानी से व्यक्ति आगे बढ़ता है, पर यहाँ पे आसानी से स्विफ्टली होता है। ये दिस गुड पॉइंट, ये 12वें अध्याय में भी ये तुलना की गई है। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि ये इतना स्पष्ट रूप से नहीं, ये नहीं बताया विच इज द हाईएस्ट, इस पे बताया नहीं, स्पष्ट नहीं बताया गया है। पर साधना का विच इज व्हाट, कौन सा मार्ग जो है, कौन सा मार्ग भगवान रेकमेंड कर रहे हैं वो उस क्लियरली यहां पे बारे बताया जा रहा है में कि ये पर्सनल का आसान है, भगवान बेटर. बता हाँ रहे हैं। ठीक
ठीक है, तो बेसिकली से दोनों चीज हो गई प्रभु, जो आपने पहले बताया कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है वो क्लैरिफाई हो गया उन सारे वर्सेस से, 10.8 है, 14.6 है, कौन सा है, 14 पॉइंट जो भी आपने मेंशन, 10.8, 7.7, 10.8, फोर्टीन पॉइंट 26, तो कौन सा सर्वश्रेष्ठ है यस और उस सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचने का कौन सा सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, तो दोनों चीजें यहाँ पे क्लैरिफाई हो गई एक तरह से। यस, वेरी नाइसली पुट। जैसे कि एक है साधारणतया कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में होता है तो दो चीजें होती है, साधन और और साध्य। क्या? साध्या। हाँ, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में पर्पस और पाथ, या मींस एंड एंड्स भी कह सकते हैं उसको, कि क्या उद्देश्य प्राप्त करना है और किस किस मार्ग से उद्देश्य प्राप्त करना है। तो अगर हम हम साध्य देखते हैं, जैसे अर्जुन ने ही कहा इस परम साध्य क्या है, जैसे बताया कि 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप परम सत्य हो, आप असीमित हो, कि आपका ही आपकी जो महिमा है इतनी अनंत है कि मैं उसको और कितना भी सुनूं मैं उससे संतुष्ट नहीं होता, मुझे और सुनना है वो। और बाक स्पष्ट रूप से कह रहे कि आपकी महिमा बताओ, वो ये बता रहे कि ये ब्रह्म की महिमा बताओ जिससे आप आ रहे हो, जिसका इसके लिए एक माध्यम बन रहे हो। से अगर वैसे होता था कि अगर वो अगर कोई कहता है, कोई मान लीजिए कोई भक्त है, वो कहता है कि मैं भगवान के गुणगान कर रहा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, तो अगर जो कोई उनसे कोई सुन रहा है समझ रहा, तो बोले कि तो आपका गुणगान बताइए, नहीं आप भगवान का गुणगान बताइए मुझे। अगर इफ समथिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट तो क्या होगा, तो हम उसके पूछेंगे ठीक है, अगर वो कहता है कि मैं इसके लिए निमित्त हूँ तो ठीक है, जिनके लिए आप निमित्त हैं उनकी महिमा आप बताइए। पर यहाँ पे अर्जुन क्या पूछ रहे, आपकी महिमा बताए भगवान। तो इसलिए वो स्पष्ट रूप से क्या है, साध्य जो है वह स्पष्ट हो रहा है कि ये भगवान ही है, और जो साधन जो है, साध्य भगवदगीता के अनुसार भगवान है, मतलब वो व्यक्ति ब्रह्म निर्विशेष निराकार नहीं है वो। और जो भक्ति है वो साधन है, क्योंकि क्या है अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन करिष्ये वचनम तव, वो बता रहे हैं। तो ठीक है अभी प्रभु, दिस इज क्लियर। यस, तो अभी एक चीज पे हम देखते हैं, अभी एकम माम एकम शरणम रज, तो मुझे अकेले शरण में आ जाओ। अभी इसका भी एक कॉन्टेक्स्चुअल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अर्थ हो सकता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके अलग अलग लोग अलग अलग मत बताएंगे, पर तुम मुझे मैं जो बोल रहा हूँ तुम करो, मतलब क्या आप युद्ध करो, यह अर्थ हो सकता है माम एकम, मैंने जो बताया है। ये कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जो उसको काफी कठिन बीमारी है और वह 10 डॉक्टरों के पास गया है, अलग डॉक्टर ने अलग चीजें कही, अभी 11वें डॉक्टर के पास आया है, 11 डॉक्टर एक्सपर्ट है बड़ा, और वो कहता है कि वो कुछ बोलता आप ऐसे करो, और वो पेशेंट कहने लगता सो पर इस डॉक्टर ने मुझे बताया था, उस डॉक्टर ने मुझे वो बताया था, उस डॉक्टर ने मुझे वो बताया था। डॉक्टर के लिए आप मैं जो बोल रहा हूं बस उतना ही करो आप, माम एकम। तो वो कैसे, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एग्जाम डॉक्टर पेशेंट अगर देखते हैं तो यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है, इसका फोकस इट इज नॉट फेनाटिसिज्म। ऐसे नहीं कह रहे कि वो बाकी सारे डॉक्टर रॉन्ग है, ऐसे नहीं कह रहे कि बाकी सारे डॉक्टर गलत है, पर अभी तक अगर तुमको ठीक होना है तो तुम ये कर। तो इस तरह से ये होता है, पर अभी फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट तत्व ज्ञान की दृष्टि से हम देखते हैं इसका, तो अभी अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यह माम एकम शरणम रज। तो अभी भगवान एक तरह से बता रहे हैं कि अनेक आराध्य व्यक्ति हो सकते हैं, जो जो भागवत भगवीता में जो ब्रह्मांड की संकल्पना बताई गई कि हम पृथ्वी पर है, इसके ऊपर स्वर्ग है, और इस सारे भौतिक जगत के परे एक आध्यात्मिक जगत है, यहाँ पे भगवान है, तो यहाँ पे मानव है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के देवता है, ये डिवाइन सेलेस्टियल लेवल है, और यहाँ पे ऊपर इस भौतिक जगत के परे भगवान है। तो अभी हम मानव देवताओं की भी पूजा कर सकते हैं और हम भगवान की भी पूजा कर सकते हैं, जो हमारे ऊपर जो भी है उन सबको, वो एक तरह से ये सब हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय पूजनीय है हम कह सकते हैं। पर अभी भगवान क्या बता रहे हैं, माम एकम, मतलब वो कह रहे हैं कि अभी
आप मेरी ही आराधना करो। और यह भाव काफी स्पष्ट है भगवद गीता में कि माम एकम शरणम ब्रजा। एनी कमेंट ऑन दिस एज सच? नहीं प्रभु, तो जैसे विशाल चौरसिया प्रभु जी ने 9.23 वर्स को रेफर करा, लेकिन उसी सेम वर्स में जो नेक्स्ट लाइन है शायद वो मिस कर गए, लेकिन उस वर्स में एकदम क्लियरली वहां पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, वो ये तो बोल रहे हैं कि ठीक है आप बाकी देवी देवताओं की भी पूजा करोगे तो वो भी आपकी पूजा मुझ तक पहुंचेगी, लेकिन वो अविधि पूर्वकम है, वो सही विधि नहीं है, तो Exactly. उस बारे में देखिए कुछ क्या है बोलें। वो जो श्लोकों, एक्सेलेंट गुड पॉइंट। जैसे कि अभी वो श्लोकों की जो सीरीज है अगे उसको हम अब कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, पर पहले कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट जो क्या है श्लोक है और किस संदर्भ में है। तो अगर हम 23वां श्लोक देखते हैं यहाँ पे, ये पि अन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते पि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम्। जो देवता की उपासना करता है वह मेरी पूजा कर रहा है, यह बता रहे भगवान। ये सत्य है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बता रहे कि वह ऐसा जो कर रहा है वो अविधि पूर्वकम। अभी विधि मतलब शास्त्र कह सकते हैं, या विधि मतलब जो सही सही विधि निषेध होते हैं, जो सही करने के जो पद्धति बताई गई, जो प्रिस्क्रिप्शन, ये अविधि पूर्वकम उचित पद्धति से नहीं कर रहे हो। दे आर वर्शिपिंग मी बट इम्प्रॉपरली। इम्प्रॉपरली अविधि पूर्वकम। अभी ये श्लोक जो है, ये जो है मैंने देखा है कई भगवद्गीता के भाषांतरों में यह जो है अविधि पूर्वकम यह निकाल दिया है, और ये जो है ग्रामेटिकली बहुत अनुचित है। क्योंकि साधारण व्याकरण के नियम में कैसे होता है कि जब आप कोई वाक्य बना रहे हो तो वाक्य के अंत में जो होता है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कि जो रचना करते हैं लेखक, तो क्योंकि क्या है जो आखिरी में बताएंगे वो लोगों के मन में रहेगा, तो इसलिए सबसे ज्यादा वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अगर जो ये पे अन्य देवता यजंते श्रद्धयान्विता ते पी माम एव कौन यजंते अविधि पूर्वकम, ये बहुत महत्वपूर्ण है उसमें ग्रामेटिकली भी। तो उसको पूरा छोड़ देना, ये क्या है एक तरह से सिलेक्टिव रीडिंग है ये। और सिलेक्टिव रीडिंग कभी कभी जब हम कुछ ही चीज देखते हैं फिर देखते नहीं है तो कभी कभी वो डिसेप्टिव रीडिंग हो जाता है कि वो गलत समझ आती है उसे आपको। तो अभी ये एक तरह से उस श्लोक में ही ये चीज है, उसके संदर्भ में और महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि इसके बाद में अगर यही कहना था जो दूसरों की देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, यही अगर भगवान को कहना होता तो अभी उसके बाद में जो है ये 23वां श्लोक है, और उसके बाद में 25वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते आ हैं, जाते हैं हम, जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास आते हैं। मेरे पास आते हैं यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृन्यान्ति पितृव्रता पितृव्रता। भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति भूतेज्यात्। मद्याजिनो पिपाम। ये जो है अलग डेस्टिनेशन है, देवताओं का डेस्टिनेशन और भगवान के डेस्टिनेशन गति है। तो ये श्लोक में जो अविधि पूर्वकम है वह अनइम्पॉर्टेंट, वह उसका महत्व ही नहीं है, वो उसका महत्व है। तो अभी अभी देवताओं की भूमिका क्या है, देवताओं का महत्व क्या है, इसके इसका एक बड़ा तत्व ज्ञान है और उसमें हम जा सकते हैं चाहिए तो। पर भगवद गीता की शिक्षा अगर हम देख रहे हैं तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि माम एकम शरणम व्रज, आप मेरे शरण में आ जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि देवी देवताओं का आप निंदा करो, ऐसे नहीं कि देवी देवताओं का खंडन करो, वो भाव बिल्कुल नहीं है। पर ये जरूर है कि गीता जहां तक है वहां पे भगवान कह रहे हैं कि आप मेरे शरण में आ जाओ, क्योंकि जो देवी देवताएं हैं उनकी शक्ति भी मुझसे आ रही है। वे कैसे है कि जो भगवान है, एक तरह से जो भगवान है वो सब सृष्टि के स्रोत है। तो अभी सृष्टि में ब्रह्मांड में स्वर्ग है और ये पृथ्वी है। तो अभी क्या है भगवान कहते हैं कि जो इधर स्वर्ग में जो जीव है, स्वर्गों में जो देवता है, पृथ्वी में जो मानव है, उन सब को जो आशीर्वाद है मैं ही देता हूं, उन सबको शक्ति मैं ही देता हूं। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं इसलिए आप मेरी पूजा करो वो बेहतर है। क्योंकि उसी श्रृंखला में आता है 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो देवताओं जो वर देते हैं वो मैं ही दे रहा हूं उनसे।
मयैव विहितान हितान। तो इसलिए अभी अगर देवताओं के बारे में भगवद गीता में क्या बताया जा रहा है, तो दो सेक्शंस में हम पढ़ सकते हैं, 7:20 to 23 और फिर 9:23 to 25। ये अगर ये चार श्लोक और तीन श्लोक अगर हम देखेंगे तो काफी स्पष्टीकरण हो जाता है इसमें। करेक्ट एनीथिंग एल्स प्रभु जी, वॉन्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो देवी देवता हैं, मतलब मैं जैसे भागवत में 5वें स्कंद में भी मेंशन है कि जैसे जो देवी देवता है वो भगवान के अंग के समान है, इसीलिए ये बोला गया है कि देवी देवताओं को भगवान के समान समझना भी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और भगवान से अलग रखकर समझना भी सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि भगवान के अंग के समान है। और जब हम उन अंगों की भी अगर पूजा करें, जैसे अगर कोई मेरे हाथ दबा रहा है, तो एक तरह से वो भी मेरी एक तरह से मेरी मेरी सेवा कर रहा है, तो उस सेंस में उसको हम देख सकते हैं। मतलब मेरी मैंने मैंने ये एनोलॉजी के हिसाब से इस चीज को समझा हुआ है, तो इस ठीक है क्या अंडरस्टैंडिंग? मतलब ठीक है, या अभी आप बोल बिल्कुल रहे कि इसमें इसमें डिटेल नहीं, अलग डिटेल टॉपिक ना हो जाए, बट वी अगर कैन गो इन, आई कैन गो इन क्विकली। ठीक है। ऐसे है कि शास्त्रों में दो भाव होते हैं, एक है अभेद और दूसरा है भेद। अभी यही श्लोक अगर देखते हैं, अभेद मतलब क्या, कुछ फर्क नहीं है, भेद मतलब कुछ फर्क है। अभी यही अगर हम 9:23 की चर्चा कर रहे हैं, तो तेपि मामेव कौन्तेय, तो तीसरी पंक्ति देखते हैं, तो वो एक तरह से कह रहा है कि अभेद तेपि मामेव, जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो मेरे पास ही आएगी। इसमें अभेद पे जोर दिया जा रहा है, पर अविधि पूर्वकम, इसमें उसमें भेद भेद के पे ऊपर जोर जो दिया जा रहा है। तो क्या है कि शास्त्र का जो सत्य होता है कि दिस इज, साधारणता है दिस और दिस नहीं है, दिस एंड दिस होता है कई बार। ये भी सही है, ये भी सही है, पर वो दोनों सही किस तरह से है वो समझना महत्वपूर्ण है। तो अभी हम कह सकते हैं कि जो देवताओं की पूजा है, कई बार लोग कहते हैं कि जब हम कहते हैं कृष्ण के, जब हम नहीं कह रहे, कृष्ण कह रहे कि सिर्फ मेरी ही पूजा करो, तो ये जो है कई बार लोग कहते हैं कि अब्राहमिक गॉड के जैसे हो ये जाता है तो पूरा इंटरनेट भरा हुआ है जो आजकल। अब्राहम, हाँ, तो अब्राहमिक गॉड मतलब क्या है कि गॉड इज अ जेलस लवर, भगवान भगवान जेलस है, भगवान ईर्ष्यालु है, भगवान नहीं, भगवान को गुस्सा आ जाता है अगर तुम किसी और की पूजा करते हो। तो उस, तो ये जो अब्राहमिक रिलीजन जो है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इसमें कैसे है कि उनका उनका उनकी ब्रह्मांड की संकल्पना ही अलग है। उनका कहते देयर इज वन ट्रू गॉड, कि एक सही परम सत्य है, भगवान है, एंड ऑल अदर आर आर फॉल्स फॉल्स गॉड। गॉड्स। तो वो क्या कह रहे हैं, फॉल्स गॉड मतलब ये उनका कुछ अस्तित्व है ही नहीं, वो केवल कल्पना से आए हुए हैं, और जब तक आप कोई काल्पनिक कृति की पूजा करोगे तब तक आप परम सत्य के पास पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए उनका भाव क्या था कि टू ग्लोरिफाई द वन ट्रू गॉड, सही भगवान के गुणगान करने के लिए क्या है, आपको जो बाकी सब देवता, जो बाकी सब भ्रांत है, न केवल उनको नीचे नीचा दिखाना है पर उनका विनाश करना है। इसके कारण एक व्यावहारिक दृष्टि से वो जो मूर्ति पूजा है उसके खिलाफ होते हैं, क्यों कहते हैं कि जो भगवान की, भगवान सही है उनको आप कुछ डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं। पर क्या है कि ये जो है ना, ये बाइनरी है, देयर इज वन ट्रू गॉड एंड अदर फॉल्स गॉड्स, पर यह गीता का, गीता का सत्य नहीं है। देयर इज वन सुप्रीम गॉड एंड देन देयर आर मैनी असिस्टेंट गॉड्स, एक परम सत्य भगवान है पर जो है अनेक, इस तरह से कह सकते हैं कि अनेक देवता भी है, वो भगवान के अनुयायी है। ये गॉड जो है, ये गॉड द प्लूरल है वो। तो ये कैसे है इसका, मेरा जो जो खास करके अगर हम भगवत के 7वें अध्याय में देखते हैं जो बता रहे हैं भगवान, जो मैं बताता 20 to 23 के बीच में, तो क्या बता रहे हैं भगवान कि अगर कोई किसी रूप की पूजा करना चाहता है तो ये याम यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धा अर्चित इच्छति, वो उस रूप की पूजा करना चाहता है, मतलब उन देवताओं की पूजा करना चाहता है, तो मैं उनकी श्रद्धा और सुदृढ़ बनाता हूँ, और फिर वो जो देवताओं की पूजा करके उनको जो यश मिलता है, जो फल मिलता है, वो भी मैं ही देता हूँ। मतलब क्या है,
मान लीजिए यहाँ पे मानव है, ह्यूमन, और यहाँ पे देवता है, तो भगवान बताते हैं कि, और भगवान यहाँ पे परम सत्य है, तो भगवान वहां पे क्या बता रहे हैं कि मैं ही यहाँ पे आपको श्रद्धा दे रहा हूँ, और वो भगवान कहते हैं कि मैं ही देवताओं के माध्यम से फल दे रहा हूँ। तो मतलब क्या है, अब ये मयैव विहितान हितान जो है 721 में कहते हैं वो कि मैं श्रद्धा देता हूँ, 722 में कहते हैं कि मैं फल देता हूँ, स्पष्ट भविता में बताया गया है। तो यहाँ पे भगवान और देवताओं में कोई प्रतिस्पर्धा ऐसे नहीं बताया गया है। तो भगवान ही क्यों, अगर भगवान ही ऐसे कह रहे हैं कि मैं देवताओं में आपको श्रद्धा देता हूँ, मैं देवताओं के माध्यम से आपको फल देता हूँ, तो फिर देवताओं, तो फिर भगवान ऐसे क्यों कहते हैं फिर आप मेरी पूजा करो। वो कहते हैं कि एक तरह से भगवान का उद्देश्य जो है, दो प्रकार से हम उनका उद्देश्य समझ सकते हैं कि अगर हम इस भौतिक जगत में हैं और यह आध्यात्मिक जगत है, तो एक है कि लिबरेशन, कि हम इस भौतिक जगत से मुक्त होके सीधा भगवान के पास चले जाओ, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में। पर अगर कोई ये नहीं कर सकता है तो भगवान कहते हैं कम से कम आप यहाँ पे तो थोड़ा ऊपर उठ जाओ, एलिवेशन। तो लिबरेशन मतलब मुक्ति, एलिवेशन मतलब ऊपर उठना। तो अभी भगवान की जो पूजा है, भगवत भक्ति जो है, भगवान की भक्ति से व्यक्ति को क्या है, परम मुक्ति मिल जाती है, भगवत धाम पल जाता है। पर अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो भगवान कहते कम से कम आप देवताओं की पूजा करो, उससे क्या होगा, आप आपका उद्धार तो होगा। तो आपका पूर्ण उद्धार मतलब आप उठ जाओगे ऊपर, मुक्ति नहीं होगी पर आप पतन के मार्ग में तो नहीं जाओगे। तो कैसे, मान लीजिए कि कोई कोई बड़ा राजा है, बहुत पावरफुल किंग है, और उसका कोई राजकुमार है, प्रिंस। अभी वो राजकुमार है, घर छोड़ के चला गया है, अपना राज्य छोड़ के चला गया है, और वो अभी भटक रहा है, उसके पहले बहुत पैसा था, सारा चला गया, और अभी वो भटक रहा है, इधर उधर से कहीं कुछ कमाने का प्रयास कर रहा है। अभी ऐसी कहानी बाइबल में भी आती है, ओल्ड टेस्टामेंट में, कि कैसे वो प्रोडिगल सन की कहानी होती है, कि जब वो बच्चा वापस आ जाता है तो यद्यपि उसने सारी जायदाद अपने पिता की खो दी है, गंवा दी है, पर क्या होता है, पिता बड़े खुश हो जाते हैं और उसको आलिंगन कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसे भगवान हमें प्रेम करते हैं, हम भगवान को छोड़ कर भी आते हैं फिर भी भगवान हमें आलिंगन कर लेते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं, ये सत्य है। पर जो गीता में बताया गया कि गीता में क्या बताया कि कृष्ण जो है, भगवान जो है, ही डजंट जस्ट वेलकम, हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, वो तो जरूर है, बट वो ही वर्क्स टू गेट अस बैक। कैसे, मान ली कोई राजकुमार छोड़ के चला गया है, तो वो ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, नहीं मैं प्रयास करूंगा तुम वापस आ जाओ। तो ये भगवान प्रयास कैसे करते हैं कि भगवान कहते हैं कि अगर अगर मैं, मान ली राजा है, वो जो राजकुमार है वो उसका राजा से जम नहीं रहा है, इसलिए वो आना नहीं चाहता वापस, तो वही राजा क्या करेंगे, अपने किसी मंत्री को भेजेंगे, और वो मंत्री क्या कहेगा, अभी वो राजकुमार राजा के पास आने के लिए तैयार नहीं है, पर देखते मंत्री तो बलशाली है, मंत्री के पास भी बहुत कुछ है, तो शायद ये मंत्री की बात मैं सुनता हूँ, और जब मंत्री की बात वो सुनता है, ठीक है मैं यहाँ वहां नौकरी करने के, आपके लिए नौकरी करूंगा, आप क्या दोगे मुझे, मैं ये दे दूंगा आपको। तो इससे क्या होगा, वो जब वो मंत्री की बात को स्वीकार करता है तो वह राजा के भी करीब आ रहा है। अभी की अभी तक मान लीजिए अगर ये राजमहल है, ये पैलेस है, और यह राज्य है, किंगडम है, तो जब वो मंत्री की सेवा करने लगता है तो क्या होता है, कम से कम वो राज्य में तो वापस आ गया है वो। तो जो ये हमें जहां पे जो है उसी तरह से बताया गया है कि हम सब जो है इस उदाहरण में जो आत्मा है वह हम सब, वी ऑल, हम वो राजकुमार के समान है, जो राजा है वो भगवान के समान है, और हम मिनिस्टर भगवान जो से है दूर चले गए हैं और भगवान के पास आना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि हम तुरंत अपने घर ही आ जाए, पर अगर आ नहीं सकते हैं तो क्या है, जो मिनिस्टर है वो देवता है। देवता के समान है।
तो अभी क्या है, जो देवता क्या है वो भगवान के सहयोग में कार्य कर रहे हैं। तो अगर अभी दो परिस्थितियां हैं, इसके बाद मैं अंत करूंगा, कैसे कि अगर वो राजकुमार राज्य से बाहर है और वो मंत्री के पास सेवा में लग जाता है, तो फिर वो उसके लिए अच्छा है, कम से कम वो अपने पिता के राज्य में वापस आ गया है। तो कहते हैं दिस कम इन द हाउस ऑफ द वेदास, वेदों के राज्य में, वेदों के घर में आ गया है। पर मान लीजिए भी वो मंत्री की सेवा कर रहा है और भी राजा कहते हैं आप मेरे महल में आ जाओ, अपने घर में आ जाओ बस, और वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो मंत्री की सेवा करूंगा। तो अभी वो उतना अच्छा नहीं है, अभी आप घर में आ सकते, तो घर में क्यों नहीं आ रहे। तो एक तरह से कैसे है कि मान लीजिए कोई गॉडलेस, कोई मटीरियलिस्ट है, कोई केवल भौतिकवादी है, निरीश्वरवादी भौतिकवादी है वो, उससे अगर कोई देवता पूजक बन जाता है, तो ये कैसे है कि जो जो राजकुमार घर से बाहर था, राज्य से बाहर था, वो राज्य में आ गया है, और उसके ऊपर अगर हमें सीढ़ी कह सकते हैं, वह भगवान भगवान का भक्त बन जाता है, मतलब वो राजकुमार अपने घर आ जाता है। तो ये तीनों एक तरह से स्टेयरकेस कह सकते हैं। तो अगर कोई डायरेक्टली यहां से आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छा ही है, पर नहीं जा सकता है तो सीढ़ी दी गई है, तो ये भगवान की करुणा है। तो अभी कोई अगर यहां पर है तो यहां से ऊपर जाता है तो वो अच्छा है, क्यों, क्या है कि वो नास्तिकता से, भौतिकवाद से, वो कुछ तो मेरे ऊपर कुछ सत्य है और उसकी मुझे पूजा करनी चाहिए, यह अच्छा बताया गया है। तो भगवान सत्रह अध्याय के चौथे श्लोक में बताते हैं कि यजन्ते सात्विका देवान, जिसमें थोड़ा सत्व गुण है वो देवताओं की पूजा करते हैं, जिसमें रजोगुण तमोगुण है वो केवल क्या कोई मूवी स्टार्स की पूजा करेंगे, इस जगत में इसकी उसकी पूजा करते रहेंगे, वो ऐसे हो जाएगा। तो यजन्ते सात्विका देवान, यहाँ पे अच्छा बताया जा रहा है, गुड। करेक्ट। पर अगर कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ से नीचे आ जाता है जो भगवान की भक्ति कर रहा है और यहाँ पे आते, तो दैट इज नॉट गुड। तो यहाँ पे इसीलिए जब बताते हैं कि भगवान बताते अल्पमेधसा, कि जो देवताओं की पूजा करता है ये समझ कर कि देवता ही सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, वह अल्पमेधसा है, उसकी बुद्धि कम है। तो कैसे है कि मान लीजिए किसी पिता के दो बच्चे हैं, कोई पिता है, उनके दो बच्चे हैं, और अभी दोनों बच्चे विद्यालय में हैं, पर एक बच्चा जो है वो बेयरली पास होता है, 40% मार्क लाता है, और दूसरा है बहुत अच्छा है, 100% मार्क लेके आता है हमेशा। अभी अगर दोनों के रिजल्ट आए और दोनों 70% मिला उनको, तो क्या होगा, जो 40% से 70% पे आया है वह ऊपर गया है। तो जो उसको पिताजी कह गए शाबाश, वेल डन, पर जो 100 से 70 पे गया है उसको कहेंगे बदमाश, व्हाट हैव यू डन। तो अभी क्या है, उसी तरह से है, भगवान ये कह रहे हैं कि आप देवताओं की पूजा कर रहे हो, तो अगर जो भक्ति को समझता है, जो भगवत धाम को समझता है, वह देवताओं की पूजा में लग जाता है, तो व्हाट हैव यू डन, ये क्या कर रहे हो आप, ये अल्पमेधसा है। पर जो नास्तिक है, अगर वो देवताओं की भी पूजा करने लगता है, तो वो क्या है, वो भी वेल अच्छा है। डन, अच्छी बात है, आप सत्वगुणी हो, सत्वगुणी हो। तो ये इसलिए भगवीता की जो संकल्पना है, ये वन ट्रू गॉड और मेनी फॉल्स गॉड ऐसे नहीं है बिल्कुल, वह क्या है, एक परम पुरुषोत्तम भगवान है और बाकी उनके असिस्टेंट्स है। तो कृष्णा पर्पस जो है, भगवान का पर्पस ये नहीं है कि माई ग्लोरिफिकेशन, कि मेरा गुणगान हो, ये उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है, योर एलिवेशन, कि तुम्हारा उद्धार हो, पर परम उद्धार हो जाए तो अच्छा है, अगर परम उद्धार होने के लिए तुम तैयार नहीं हो तो थोड़ा सा तो ऊपर उठ जाओ तुम, और उसके लिए मैं मदद करूंगा। तो ये जो भगवान का जो भाव है, ये बड़ा ही कृष्णास सेल्फलेस पर्पज है, बड़ा निस्वार्थ भाव है। अगर यह हम समझेंगे तो हम देखेंगे कितने कृष्ण जो है अहंकार रहित है, अहंकार रहित है। पर मान लीजिए मैं किसी दफ्तर में हूं और मैं वहां का चीफ बॉस ऑफिसर हूं, और वहां पे कोई आता है, मेरा कोई क्लर्क है, और मेरे सामने वो कहने लगता है कि ए, क्लर्क, आप तो यहाँ के दफ्तर के बॉस हो और आप मेरे लिए करो वो करो, तो मैं
मुझे गुस्सा आ जाएगा, तो मैं बॉस हूँ यहाँ पे, मुझे गुस्सा उस व्यक्ति पे भी आ जाएगा और इस व्यक्ति पे भी आ जाएगा। जो क्लर्क है वो कह रहा कि मैं बॉस हूँ, तुम क्या सुन रहे हो उसे, और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। पर अगर मेरा ये भाव नहीं है कि मुझे बॉस बताना है, अच्छा तुम्हारा काम है होना चाहिए, तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो और तुम्हारा काम होना चाहिए, तुम उसको बॉस मान ले तो चलेगा, कोई बात नहीं है। तो इसके लिए कितना निस्वार्थ भाव लगता है यह हम दे सकते हैं। तो कृष्णा देवताओं की पूजा की पूरी सिस्टम है, इट शोज हाउ कृष्णा इज सो फ्री फ्रॉम ईगो, उनका कोई अहंकार नहीं है, खुद के गुणगान की परवाह नहीं है कि हमारे उद्धार की परवाह है। बल्कि मैं तुम्हें समझाता हूँ कि वही भगवान क्यों है इन केस ऑफ क्लर्क के केस में। मैं ही तुम्हें और ज्यादा कन्विंस कर दिया उनको कि नहीं, सच कह रहे तुम, यही भगवान है। ठीक है प्रभु, आई थिंक दिस इज वेरी गुड। आई थिंक वी कवर्ड, और यू वांट टू कवर अनदर पॉइंट प्रभु? हमने दो पॉइंट कवर करे, एक तो पर्सनल इम्पर्सनल और एक हमने देवता वाला पॉइंट कवर किया। माम एकम हाँ, तो शरणम। आई थिंक शरणम पे जो आधार पर ज्यादा जो बोलना था मैंने पहले भी बोल दिया वैसे एक तरह से, कि अभी शरणम जो है यह भक्ति का मार्ग, भक्ति से क्लियरली करेक्ट। हाँ वो भी, रिलेटेड है। हाँ वो भी एक बार तो क्लैरिफाई क्या कर है देते कि हैं। क्यों यस। तो क्या है कि जो अभी जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की धारणा जो क्या है कि वो कहते हैं कि एक ये निर्गुण ब्रह्म है, और जब साक्षात्कार होता है तो अभी हम जो क्या है जटाकाश पटाकाश जो क्या है, हम अनुब्रह्म है, हम आत्मा जो है वो जो जो ब्रह्म है। तो साक्षात्कार मतलब क्या होता है, हम समझते हैं कि इसका कुछ अस्तित्व है ही नहीं, केवल यही अस्तित्व में है। और ऐसे लोग मतलब क्या है, ये कहते हैं कि हमारा जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिटी कि हम एक व्यक्ति है, हमारी एक पहचान है, ये यही माया है। और ऐसे लोग क्या कहते हैं, जो इतना ही नहीं कहते, वो क्या कहते हैं कि अगर ये निर्गुण ब्रह्म है तो यहाँ पे कोई भक्त है या कोई साधक है, तो अभी साधक वह परम सत्य को समझता नहीं है, जो ब्रह्म है उसको समझता नहीं है, इसीलिए वो किसकी पूजा कर सकता है। तो अभी यहाँ पे क्या है, वो ये पर्सनल पर्सनल डिविनिटी कह सकते हैं, करेक्ट। ऐसे है, और आप इसकी पूजा करो, पर यहाँ पे क्या है वो भक्ति, वो कहते हैं भक्ति करो, और भक्ति करने से आपके भक्ति का परफेक्शन क्या होगा, परिपूर्णता क्या होगी, उससे आप समझोगे कि ये जो है ये भी माया है, भगवान भी माया है, तुम भी माया हो, भक्ति भी माया है, क्या है, यही एक सत्य है, दिस इज दी ओनली ट्रूथ। तो कहते हैं कि भक्ति के द्वारा आप भक्ति के परे जाओगे, भगवान के परे जाओगे। तो माया वो तो इसीलिए माया, भगवान को भी माया कहना, भक्ति को भी माया कहना, आत्मा को भी माया कहना, जो केवल ब्रह्मन ही सत्य है, उसको मायावाद कहते हैं। अभी ऐसा भगवान कहीं नहीं बताते भगवद गीता में। तो स्पष्ट रूप से क्या है, माम एकम शरणम, मेरी शरण में आ जाओ, भगवान बता रहे हैं। शरण जो मतलब क्या है कि अभी शरणागति के क्या चाहिए, जो अभी भगवीता का जो शिक्षण बताया गया ना कैसे है कि भगवान जो है परम है, और भगवान से ही ब्रह्मन आता है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो होते हैं ना, वो भी भगवान से ही आता है, और भगवान आधारित है वो, और हम सब जीव है। तो अभी क्या है, हमारा जो भगवान से संबंध है वह शाश्वत संबंध है, भगवान भी सत्य है, ये भगवान इटर्नल है, शाश्वत है, सत्य और शाश्वत है, हम जो आत्मा है वह भी शाश्वत है, और जो भक्ति है वह भी शाश्वत है। तो अभी ये कैसे कह सकते हैं हम इसका, हर एक चीज के लिए 15:7 में बताते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीव भूतः जीवभूतान सनातन। हाँ, सनातन। कि सनातन रूप से मैं अंश, आप सब मेरे अंश, भगवान बता रहे हैं। और फिर 9वें अध्याय के 2वें श्लोक में भगवान बताते हैं किस तरह से जो भक्ति है वो अव्ययम है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्यम। अव्ययम, ये हमेशा के लिए होती है। और ये कैसे, ये इसे काफी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सदा के लिए, हमेशा के लिए। और जो भगवान है, भगवान के परे कोई सत्य है, इसका तो कहीं उल्लेख आता ही नहीं है।
कि जो भगवान ही सनातन है, कि भगवान कहते हैं कि मेरा कोई मेरे कोई शुरुआत नहीं है, मेरे कोई अनाह कि मेरा आदि नहीं है, अंत नहीं है, ऐसे कई जगह बताया गया, 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताया है। फिर 4वें अध्याय में जब अवतार के बारे में बताते हैं, अजोपि सन अव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, फोर पॉइंट प्रकृति सिक्स का अवस्था है। तो कई जगह पे ऐसे बताया भगवान ने कि जो है वो सनातन है। तो इसलिए जो शरणम है, इससे स्पष्ट होता है कि इस शब्द से कि आप भगवान की पूजा करो, आप भगवान की पूजा करो। तो अभी एक और पॉइंट मैं ले लूं कि इसी संबंध में थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है, कुछ लोग कहते हैं, यू वांट टू क्लैरिफाई एनीथिंग ऑन दिस? नो प्रभु, दिस इज क्लियर. यस प्रभु. तो अभी आखिरी पॉइंट लेते, कभी इसमें एक शब्द आता है ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज। तो वजह. ब्रज का अर्थ होता है लिटरली ट्रांसलेटेड गो। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं इसका अर्थ है कि आप मेरी शरण में जाओ, वजह. मेरी शरण में आओ नहीं, मेरी शरण में जाओ। जाओ मतलब ओके. भगवान कह रहे हैं कि आप किसी के और परे चले जाओ, मतलब मुझे मेरे शरण में नहीं आना है, किसी और के शरण में जाना है। करेक्ट. व्रज का ये अर्थ नहीं, केवल गो नहीं है अर्थ, जाओ अर्थ हो सकता है, पर व्रज का अर्थ होता है मूव, हिलना, मूवमेंट। क्योंकि मूवमेंट. वृंदावन को व्रज कहा जाता है, व्रज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट्स अ प्लेस ऑफ मूवमेंट। और ये जो व्रज का अर्थ जो मूव है, वह उसी अर्थ को भगवान ने ही भगवद गीता में इस्तेमाल किया है। कहाँ? अगर हम देखते हैं, नहीं एक्चुअली उसी अर्थ से अर्जुन ने सवाल पूछा है 254 में, सित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव, सित धी किम प्रभाषेत ब्रजेत किम। तो अभी जो है ये जो गो या मू कौन सा अर्थ है, जैसे कि भगवीता में ही व्रज को, वो चलते कैसे है, जो आत्म साक्षात के लोग है वो बैठते कैसे है, चलते कैसे, इसका जब उल्लेख हो रहा है। तो अभी वहां पे मू हो रहा है, मतलब ये जो व्रज जो बता रहे हैं भगवान, क्या बता रहे हैं कि अभी अर्जुन, भगवान ने जो अर्जुन को सेवा करने का बताया है, कैसी सेवा करनी है, उसका भाव बता रहे हैं वो, कि आपको जो सेवा करनी है वह अभी अर्जुन भगवान की ओर मुड़े हुए हैं, और अर्जुन की ओर मुड़कर, अर्जुन भगवान की ओर मुड़कर कह सुन रहे हैं उनसे। पर भगवान जो अभी आप शरण जाना है, शरणागति जो बता रहे हैं, पर शरणागति किस प्रकार की शरणागति है? इट इज एक्टिव सरेंडर, नॉट पैसिव सरेंडर। मतलब क्या है, आप ध्यान में बैठ जाओ ऐसे नहीं है, वो नहीं बता रहे, एक्टिव, कि आप गजा दुनिया की वो. ओर मुड़ो, आप दुनिया की ओर मुड़ा जाओ और दुनिया में मेरी सेवा करो, तो युद्ध करो। तो जो व्रज है उसका मू अर्थ है, मू नाउ मीन्स अभी आप कार्य करो। और अर्जुन भी क्या करते, करिष्ये वचनम तव, मैं आपका कार्य करूं, वो बताए कार्य मैं करूंगा वो। तो जो व्रज है, इट रेफर्स नॉट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, उसका संदर्भ भी नहीं है उसमें कुछ। इट रेफर्स मोर टू द मोड ऑफ सरेंडर, किस प्रकार से शरणागति जाना है। तो माम एकम शरणम रज, तो गजा. इस तरह से आप मेरे शरण में आओ, पर मेरे शरण के आने आने के बाद क्या करो, आप जाओ जगत में सेवा करो, आप सेवा के भाव में युद्ध करो। तो इस तरह से इस श्लोक के आधार पर और भगवद गीता के ओवरऑल संदेश के आधार पर, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है व्यक्ति रूप रूप में, और उनकी जो भक्ति है वही साध्य और साधन स्पष्ट रूप से बताया गया है। परफेक्ट. यस प्रभु, आई थिंक दिस इज क्लियर. ऑल पॉइंट्स आर क्लियर हेयर. इगोस्टिक का भी हमने कवर कर लिया, और पर्सनल इम्पर्सनल, और जो देवता है वो भी हमने क्लियर कर लिया. थैंक यू सो मच प्रभु. यस प्रभु, थैंक डू यू वॉन्ट टू एड एनीथिंग एल्स? अदरवाइज आई थिंक यू। दिस इज गुड. या शुड आई क्विकली समराइज, यस प्रभु, दैट विल बी मैं वंडरफुल. क्विकली साथ में बोला। तो यस. हमने सबसे पहले देखा कि अगर अर्थ समझना है तो कैसे हम अर्थ समझ सकते हैं, पहले क्या बोला है और कहाँ बोला है, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट इन दोनों को देख सकते हैं। कभी 1866 का अगर अर्थ देखना है तो हमने कॉन्टेक्स्ट के आधार पर देखने का प्रयास किया। कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा है फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मतलब सर्वधर्मान परित्यज्य, उसका मतलब क्या है कि आप जो अर्जुन को द्वंद्व हुआ है कौन सा धर्म करना है, मुझे क्षत्रिय धर्म करना है कुल धर्म करना है, तो उसमें भगवान कहते हैं कि आप
आपका सनातन धर्म जो है, क्या आप मेरे अंश हो, उसका आप पालन करो, आप मेरे शरण में आ जाओ, ऐसे बताया जा रहा है। मतलब फाइट, आप युद्ध करो। और तत्वज्ञान के दृष्टि से अगर हमें देखना है क्या बता रहे हैं भगवान अर्जुन को, तो उसके संदर्भ में चर्चा की किस तरह से, कुछ शब्दों का विश्लेषण किया हमने। अभी जो माम है वो काफी स्पष्ट रूप से जो पर्सनल डिविनिटी जो है, पर्सनल एब्सोल्यूट, उसके बारे में उल्लेख हो रहा है। कई श्लोक हमने देखे इसके, कई प्रमाण देखे, 7:7, फिर 10:8, 14:26, 10:12, ऐसे अर्जुन की समझ क्या है। फिर एकम, एकम के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, देवताओं की पूजा क्या है, कि वो कैसे अच्छी है, कब अच्छी है और कब अच्छी नहीं है। जो भगवान, ये जो है पूरी पद्धति जो है वो भगवान ने हमारे उद्धार के लिए बनाई है, पूर्णतया मुक्ति तक जा सकते हैं या थोड़ा और उद्धार हुआ तो भी चलेगा। तो उसे उसमें से अभी 9वें अध्याय के श्लोक में से 23वां श्लोक, 23वें श्लोक अविधि पूर्वक हम पूरा निकाल देना, यह जो है ये बिल्कुल गीता के अर्थ के खिलाफ जाता है। क्योंकि क्या है, उसी में आगे तुलना 9:50-25 में की गई है, कुछ और है वहां पे। फिर बाद में शरणम के बारे में हम देखा, कि शरणम जो है यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि शरणागति कब संभव है, जब भगवान और भक्ति है। तो ये भी पूरा वापस पर्सनल की ओर ही जाता है। और आखिरी जो है व्रज का अर्थ जो हमने देखा, व्रज के बारे में, ये किसके बारे में, ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, ये किसकी पूजा करने है उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो तो काफी स्पष्ट हो गया पिछले श्लोकों से ही। वह कैसे शरण जाना है, कि आपको कार्य करना है, वैसे बताया जा रही है। यस थैंक परफेक्ट, यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हरे प्रभु, कृष्णा, आपने अपना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, हैप्पी टू योर सर्विस। हरे कृष्णा। हरे बोल।